गायत्री परिवार द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर और दशहरे के उपलक्ष में विगत 9 दिन से 24,000 गायत्री मंत्र का जाप और यज्ञ में आहुति देने का पुनित कार्य किया गया। यज्ञ का आज विधि विधान से पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इस आयोजन में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी लोग गायत्री मंदिर यज्ञ स्थल पूर्णाहुति के अवसर पर पहुंचे। लोक कल्याण, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और भारतीय संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से गायत्री परिवार द्वारा यज्ञ आयोजित किया गया है। इस अवसर पर गायत्री परिवार के वरिष्ठ जनों ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन भी किया और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहने की गायत्री माता का आशीर्वाद और यज्ञ देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना व समस्त समाज का कल्याण करने की बात कही गई। शुक्रवार को गायत्री मंदिर स्थित यज्ञशाला में पंचकुंडी हवन की पूर्णाहुति के साथ कन्या पूजन भी किया गया। इस दौरान जन्मदिन संस्कार, गर्भ संस्कार सहित अन्य संस्कार आयोजित किए गए। गायत्री परिवार द्वारा भारतीय संस्कृति में विधान है 24,000 लघु अनुष्ठान का। 1,25,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान भी कई परिजन हमारे करते हैं और 24,000 का लघु अनुष्ठान गायत्री मंत्र साधना का भी करते हैं। उसमें 27 माला गायत्री मंत्र की रोज करते हैं। इस प्रकार 9 दिन में 24,000 मंत्र पूरे होते हैं, तो उसकी पूर्णाहुति आज यज्ञ में थी। वैसे यज्ञ 9 दिन से ही चल रहा है, पंचकुंडी यज्ञ चलते चलते 9 दिन हो गए हैं। आज उसकी पूर्णाहुति है और पूर्णाहुति के लिए सभी साधक लोग पधारे हैं। इसके साथ में जन्मदिन संस्कार, गर्भ संस्कार और अन्य संस्कार भी निरंतर यज्ञ के साथ में चलते रहें। भारतीय संस्कृति को बचाने का गायत्री परिवार का अभिनव अभियान है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता, ये हमारा अनुभव है, अभियान है, नारा है कि यज्ञ संस्कृति घर घर में पहुँचे, इसी के लिए प्रयास है। और 9 दिन तक ये लोगों ने साधना अनुष्ठान किए हैं और आज उसकी पूर्णाहुति में सभी, हाँ, अब कन्या भोज भी है। इसके बाद में सभी परिजनों का सहभोज भी है और कन्याओं का भोजन भी कन्या पूजन के साथ में अभी 11 बजे से होगा, तो सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके अशोक धाकर, गायत्री परिवार ने